रहे बेटा। आपको मैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का पढ़ा रहा था, बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने आपको एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब ये बताया था, हर वो चीज जिससे हम सराउंडेड एज एन इंडिविजुअल, वो क्या कह जाती है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इंटरनल फैक्टर होते हैं कि एक्सटर्नल होते हैं जिससे हम सराउंडेड है, एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल और इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने दिया था एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे, जैसे रेन हो गई, ठीक है, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हम पर एनवायरमेंट अफेक्ट करता है, एनवायरमेंट के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सिमिलरली बिजनेसेस में भी यही होता है कि बिजनेस का भी एक एनवायरमेंट होता है। मतलब आज आप एक बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस को आप चला रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके बिजनेस पे क्या डाल रहे होंगे, इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। ये सारे फैक्टर एक्सटर्नल इन नेचर है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है, गलत बात है, ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, मीडिया, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो गवर्नमेंट, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कस्टमर, ये सब आपके कंट्रोल में है क्या, आया ना? नहीं है, तो आप पर ये एक्सटर्नल इंपैक्ट डालते हैं। आपको ध्यान आ रहा है, ये पढ़े कल अपन? यस अच्छा, फिर मैंने क्या सर, बताया था, आपको पापा है, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फीचर्स बताया था। क्या फीचर्स बताया था मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको? फीचर नंबर 1, ऑल फैक्टर्स आर एक्सटर्नल इन नेचर, यही बताया था। दूसरा ये बताया था, इनका इफेक्ट या तो स्पेसिफिक होता है आप ही के बिजनेस पर होता है, या फिर सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तीसरी बात बताया था, ये इंटर रिलेटेड है, मतलब अगर एक जगह इफेक्ट पड़ेगा तो पक्का है कि दूसरी जगह भी इस चीज का इफेक्ट जा रहा होगा। आपका बिजनेस अगर नुकसान में जा रहा है तो पक्का है कहीं और किसी का तो फायदा हो ही रहा होगा। नेक्स्ट थिंग, डायनामिक नेचर का मैंने बताया था आपको, मतलब सिचुएशंस बदलती है, चीजों का असर बदलता है। लास्ट मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, चेंजेस को समझना इतना आसान नहीं है, प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको डायमेंशन पढ़ा दिया था, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन को क्या बोलते हैं, कोड क्या दिया था आपको मैं, बताओ क्या कोड दिया था? क्रिस्टल पिस्टल एरिया, क्रिस्टल पी से क्या, पॉलिटिकल, समझाना पड़ेगा। इकोनॉमिकल सोशल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से यहां तक बिजनेस। सर एक बार लीगल बताओ ना। लीगल का मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए हमको फॉलो करने पड़ते हैं, बिजनेसमैन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर एक लॉ बन गया है, एक हमारे यहाँ की, हमारे देश में इनकम टैक्स लॉ है, अब उसमें लिखा है कि हर बिजनेसमैन को 30% टैक्स भरना है, तो क्या तुम अपनी मर्जी से 5% टैक्स भर सकते हो? नो सर, लिखा 30% है तो आपको कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा? 30% 30। पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। आ गई। अब जैसे कि आप ये समझ गए हो कि एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, फीचर्स क्या है और इसके डायमेंशंस क्या है, तो अब आप आगे प्रिपेयर करिए और आगे पढ़िए, ठीक है, समझना मेरी बात को। अभी सब आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, क्लास 12th में हो, आगे अगले साल आपका बोर्ड होना है, 2022 में बोर्ड होना है। बोर्ड का पेपर कैसा आएगा क्या आपको पता है क्या? बोर्ड का पेपर कैसा आएगा आपको पता है क्या? बोलो क्या आपको पता? नो सर, नहीं पता है? नो सर। लाइफ पे ये अफेक्ट करेगा, हाँ या ना? क्या आपकी लाइफ पे ये पेपर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा सर। ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि इंटरनल फैक्टर, आपके लिए एक एनवायरमेंटल फैक्टर है कि नहीं है, ये बताओ, आया ना? नहीं क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो? बोर्ड का पेपर आपके हिसाब से आ सकता है, तो सर। आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। सही बात है। आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, आप उसको किस तरह से मैनेज करोगे? तो मैनेज करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, और इस तरीके को ना बेसिकली कहा जाता है
SWOT. ठीक है, SWOT एक तरह का एनालिसिस है और जिस प्रोसेस में इस एनालिसिस को किया जाता है उस प्रोसेस को एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग बोलते हैं या स्कैनिंग बोलते हैं. जब भी आपको फ्यूचर से डर लगे अपनी लाइफ में तुम SWOT का यूज करो, मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग करो. एनवायरमेंटल स्कैनिंग में एक एनालिसिस होता है जिसको SWOT बोलते हैं. जैसे एनालिसिस हम आपके बोर्ड के पेपर को करके देखते हैं, ठीक है. आपका फ्यूचर में एग्जाम है वो आपके कंट्रोल में नहीं है पर पेपर आपको अच्छा बनाना है तो हम क्या करें, पेपर्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो बेस्ट थिंग है हम स्कैनिंग करके देखते हैं, मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं. क्या कर देते हैं, प्रिपेयर कैसे करें, तो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तुम एस पे ध्यान दो. एस मतलब अपनी स्ट्रेंथ को देखो, डब्ल्यू पे ध्यान दो अपनी वीकनेस पे ध्यान दो. जैसे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है, अकाउंट से स्ट्रॉन्ग है कि इको बीएसटी स्ट्रॉन्ग है, ये बताओ. स्ट्रॉन्ग क्या है, जैसे तुम बोलते हो तुम्हारा इको बीएसटी स्ट्रॉन्ग है तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ हो गई, और अकाउंट्स तुम्हारा वीक है तुम्हारी वीकनेस हो गई. तो तुम क्या करो, अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करो. इको बिजनेस में अपनी एफिशिएंसी जबरदस्त बना दो, हर एक चीज आनी चाहिए, और आपकी जो वीकनेस है अकाउंट्स इसको रिमूव करने की कोशिश करो. वीक हो लेकिन बहुत कमजोर मत बनो, अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो. जब आपने ये प्रिपरेशन कर दी, अपनी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा दिया और अपनी वीकनेस को कम कर दिया, तो अब जब भविष्य में आपका बोर्ड का पेपर होगा, फ्यूचर में बोर्ड का पेपर होगा, तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो और मान लो थ्योरी पूरा आ गया तो आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है. अगर पूरा थ्योरी पेपर आ गया जबरदस्त इको बीएसटी आया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है, बोलो. अपॉर्चुनिटी या आपकी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करना और बहुत बेहतरीन नंबर लाना. और कहीं अकाउंट्स ही अकाउंट्स आ गया, टफ आ गया अकाउंट्स का पेपर, तो आपने अपनी वीकनेस पे भी वर्क किया था तो आपको पता है कि इस बार ये थ्रेट हो गया था, लेकिन आप उस थ्रेट से निपट पाओगे क्योंकि आप प्रिपेयर्ड थे. कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोरोना कम असर करता है ना, तो हम अपनी वीकनेस को घटा दे रहे हैं ना ताकि अगर थ्रेट भी हो तो उससे भी निपट सके. तो SWOT का मतलब यही होता है, पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे पूरा वर्कआउट कर दो, तब फ्यूचर में आपको समझ आएगा जब इवेंट होगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है. अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कर देना, थ्रेट है तो धीरे धीरे निपटा देना उसको. बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, SWOT क्या होता है, SWOT समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो. Yes, sir. अब आप लाइफ के किसी भी चीज में SWOT को लगा सकते हो, किसी भी मतलब किसी भी चीज में. आपको किसी से लड़ने जाना है तो अपनी ताकत अपनी कमजोरी देख लो, तो सामने वाले के बॉडी साइज को देखकर आपको समझ आ जाएगा उसे लड़ना आपकी अपॉर्चुनिटी की थ्रेट है. अब अंडरटेकर से मैं लड़ने जाऊंगा तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दूंगा, अपनी वीकनेस पे ध्यान दूंगा, अंडरटेकर से डरता थोड़ी ना रहूंगा. अब सामने जब अंडरटेकर आया तो 4 फुट का अंडरटेकर है तो उसको उठा के पटकूंगा, दैट्स अपॉर्चुनिटी. और अगर 8 फुट का आ गया तो थ्रेट है, उसको धीरे धीरे भाग भाग के हराऊंगा. बात समझ आई कि नहीं है? Yes, sir. वो आपके हाथ में फ्यूचर है नहीं, जो चीजें आप पे अफेक्ट करती है आपके कंट्रोल में है नहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होती है जिसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं. आप बताओ आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, ये समझ आया कि नहीं आया, आया ना? एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है आपको समझ आया कि नहीं, ये बता दो. अब मैं यहाँ पे मीनिंग लिखता हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो. एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अच्छे से लिखेंगे थोड़ा इसको अपन. एनवायरमेंटल स्कैनिंग रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस, रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जब पहले से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे बिजनेस पे चीजें अफेक्ट करती हैं ताकि हम उनसे डील कर सके, तो इसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हैं. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज एंटीसिपेशन. एंटीसिपेशन मतलब होता है समझने की कोशिश करना, एंटीसिपेशन इन एडवांस. एक मिनट, स्पेलिंग सही कर देता. एंटीसिपेशन इन एडवांस
ऑफ फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन को पहले से एंटिसिपेट करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ईमानदारी से बोलो बात समझ आई कि नहीं, ईमानदारी से बोलो बात समझ आई कि नहीं। यस सर आ गया। आ गया। अब मैं जो बोलूंगा उस बात को समझना। आपके स्कूल में टीचर भी आपको यही पढ़ाएगी, क्योंकि वो लोग भी बहुत अंदर तक जाके फोकस नहीं करते। एक टॉपिक है हमारी बुक का, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आधे स्टूडेंट जब इसको पढ़ते हैं तो इनको समझ ही नहीं आता कि उनको इसमें करना क्या होता है, कि उनको स्कूल में एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब नहीं बताया जाता। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो सच ये है कि इस टॉपिक में जो बुकों में छाप के दिया गया है वो ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ये चीज आपको स्कूल में नहीं बताई जाएगी। आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा देंगे और बोल देंगे रट लो, लेकिन एक्चुअल में उस चीज का कंटेक्स्ट या मतलब क्या है उसमें दिए गए पॉइंट्स का, तो वो ये है कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी हुई है, तो आपका फायदा क्या है, इससे एडवांटेज क्या है। आप आज से ही बोर्ड की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, छुट्टी नहीं दे रहे हो, तो फ्यूचर में इससे आपका क्या फायदा होगा। ठीक है, शुरू करें। क्या फायदा होगा, आपकी बुक में क्या टॉपिक है, ये चाहे वो एनसीईआरटी है, पूनम गांधी हो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन एक्चुअल असली टॉपिक ये क्या है, एडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना? बोलो बोलो भाई, समझ आई कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक है एडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी है, तो फायदा नंबर वन क्या होगा, हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। आपको फायदा पहले दिख जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत करी हुई थी, तो फ्यूचर में जब कुछ होने वाला होगा तो आपको फायदा पहले दिखेगा। एंड गेटिंग अर्ली मूवर एडवांटेज, दूसरे से पहले आप जो है वो फायदा उठा लोगे, क्योंकि आप बहुत समय से मार्केट में घुसे हुए हो, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, फ्यूचर में जो भी हो हम संभाल लेंगे अपने बिजनेस को। तो जब कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी तो आपको पहले दिखेगी, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे थे बाकी लोग सो रहे थे, ठीक है, तो आप उनसे हमेशा आगे रहोगे एक कदम, यू विल गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड हो बिजनेस में। एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया, एग्जांपल चाहिए कि समझ आ गया, समझ आ गया। सेकंड थिंग, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो जैसे आपको फायदा पहले दिख जाता है, सिमिलरली आपको थ्रेड भी पहले पता लग जाएगा। हेल्प द फर्म इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट, अगर कुछ खतरा होगा तो आपको ये पहले समझ आ जाएगा कि यार ये खतरा हो सकता है या इस चीज का नुकसान हो सकता है, तो इसको हम अर्ली वार्निंग सिग्नल मानते हैं, और उस हिसाब से फिर हम उस काम में नहीं करेंगे। जब बाकी लोग गड्ढे में कूद रहे होंगे हम नहीं कूदेंगे, क्योंकि हम तो तैयार बैठे हुए थे। तो अगर आप किसी भी चीज में दुनिया में वेल प्रिपेयर्ड हो, चाहे बिजनेस में अपनी लाइफ में, आपको फायदे पहले दिखेंगे क्योंकि आप फोकस्ड हो, वैसे आपको खतरे भी सबसे पहले दिखेंगे क्योंकि आप फोकस्ड हो। तीसरा, आप बदलाव को जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे। दूसरे लोगों की जब आंखें बंद थी तब आपने सोच लिया था कि फ्यूचर बदलेगा, फ्यूचर में चीजें बदलेंगी, तो उस हिसाब से आप बदलाव को बहुत इजीली क्या कर सकोगे, एक्सेप्ट कर सकोगे, और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। एग्जाम्पल चाहिए कि पॉइंट समझ आया, एग्जाम्पल चाहिए कि पॉइंट समझ आ गया, ये बताओ सर। एक एग्जाम्पल दे दो। ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट आज से नया नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। 2014-15 से लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस एकदम अच्छे से शुरू कर दी थी, ठीक। मैं भी उस टाइम तक थोड़ी थोड़ी क्लासेस लेता रहता था ऑनलाइन। तो अभी जब कोविड आया, एक थ्रेट या एक सिचुएशन आई, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मैं भी प्रिपेयर्ड था और मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं गई। तो जब कोई बदलाव आया तो मैं उसको अडॉप्ट कर पाया। लेकिन बहुत सारे आज भी टीचर्स ऐसे हैं जिनके लिए ऑनलाइन एकदम नया है, न्यू है, क्योंकि उन्होंने पहले इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और वो टीचर इसलिए मार्केट में फेल हो जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लासेस लेते नहीं बनता। कोई मोबाइल इधर उधर गिराता रहता है, कोई ट्राईपॉड रखा रहता है, बहुत परेशानी चलती है टीचरों को।
तो यहाँ पर वही टीचर सक्सेसफुल हो पाया जो पहले से इस चीज की प्रैक्टिस कर दिया था। अब अगर सिचुएशन बन रही चेंज हुआ तो हम चेंज को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर दिए क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड थे। बात समझ आई कि गई अभी भी? अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करते हो, थ्रेट आपको पहले पता लगता है, कोई भी चेंजेस होता है तो आप उस चेंज को अडॉप्ट कर पाते हो, आपको दिक्कत नहीं जाती। नेक्स्ट, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सीधी सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट साल भर मेहनत किया है और एक स्टूडेंट साल भर सोया है, तो बोर्ड में रिजल्ट किसका अच्छा आएगा, आप बताओ? जो पढ़ा हुआ। आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हो, पहली की दूसरी, पढ़ने वाली की सोने वाली? पढ़ने वाले। कुछ पढ़ना है, छुट्टी उट्टी नहीं मनाना है अभी अपने को, है ना? क्लियर हो गया ये इतना? यस सर। हेल्पफुल इन प्लानिंग, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करते हो तो फ्यूचर प्लानिंग करने में भी आपको हेल्प मिलती है, आप कुछ नई चीजें भी कर सकते हो। ये जो है बेसिकली एडवांटेजेस हैं, और बुक्स में टॉपिक दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको कट कॉपी पेस्ट करके इसको पढ़ने बोला जाता है, ऐसे मत पढ़ना। जब तक आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब नहीं समझ आएगा तब तक आप ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं समझ सकते। अभी समझ गए कि नहीं समझे ये बता दो। यस सर। तो यहाँ पे ना बेटा सच बताऊं तो आपका ना मेन चैप्टर हो गया खत्म, मेन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। अब क्या किया है, नए सिलेबस के हिसाब से आपकी बुक में दो टॉपिक ऐड किया है। एक टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यह हमारे टाइम से है पर इसको हम अलग से ही मानते हैं, और दूसरा टॉपिक ऐड किया है डी मोनेटाइजेशन। ये अपना जो चैप्टर था ये इतना ही था, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ही पढ़ना रहता है आपको। क्या क्या पढ़ना रहता है कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके फीचर क्या होते हैं, उसके डायमेंशन क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, इतना करने पर बिजनेस एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। उसमें दो एडिशनल टॉपिक हमारे होते हैं, एक होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 और एक डीमोनेटाइजेशन। तो आपको मैं एकदम करेक्ट पोजिशन बता दे रहा हूँ, अभी जो पिछला साल बीता है, जो आपके सीनियर्स रहे होंगे क्लास 12th में, तो सीबीएसई ने उसमें 30% सिलेबस रिडक्शन किया था। आपका भी क्लास 11th में किया था ना? यस सर। तो ये जो टॉपिक था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये डिलीट हो गया था, पर अभी तक सीबीएसई बोल रहा है कि इस सेशन में 2021-22 में इसको देंगे, लेकिन अभी भी इस पे क्वेश्चन मार्क है कि वो फुल सिलेबस देने के मूड में कि डिलीटेड, क्योंकि फिर वैसी सिचुएशन हो गई है, सीबीएसई ने भी नहीं सोचा था ये बात। तो मेरे को लगता है कि टॉपिक हट जाएगा, तो हम इसको होल्ड पे रखेंगे, अगर हुआ तो करेंगे, रहा और नहीं रहा तो हमको पढ़ने की इसको जरूरत थी ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन है ये हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता है नोटबंदी क्या है? यस सर। क्या है? पुराने नोट बंद कर दिए गए थे क्योंकि लोग जो ब्लैक मनी जमा कर रहे थे उसके, बस गया, और कोई कारण नहीं था। क्यों किया गया डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी क्यों की गई, कब की गई और क्या नोट बंद हुआ, मुझे बता पाओगे? 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। 500 और 1000 के नोट। कैसा लगा था जब बंद हुआ था? तो मैं उस टाइम मालदीव से वापस आ रहा था, मैं घर पहुंचा और इधर मोदी जी आ गए। अगर एक आध दिन पहले कर देते तो मैं नहीं पड़ जाता, नोट ही बंद हो गए थे, कहाँ खर्चा करता। चलो सुनना, बहुत अच्छे से समझना, अपने को करना है डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि ये नया जुड़ा है आपके सिलेबस में, तो इसे क्वेश्चन आने की पूरी परम संभावना रहती है चैप्टर नंबर 3 से। ठीक, डीमोनेटाइजेशन की डेट अपन लिख देते हैं 8 नवंबर 2016। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन इज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, यार पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब ब्लैक मनी, कर्ब मतलब होता हटाना, ब्लैक मनी बाय prohibiting the circulation of 500 rupee and
1,000 rupee notes and declaring them non-legal tender. Non-legal tender का मतलब होता है अब इकोनॉमी में इन नोट्स से पेमेंट नहीं हो पाएगी. चलो पहले बताओ मतलब समझ आया कि नहीं. ये सरकारी पॉलिसी है जिसको इससे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को हटाया जा सके. इसके लिए 500 और 1,000 के नोट जो सर्कुलेशन में थे उसको प्रोहिबिट कर दिया गया और उनको नॉन लीगल टेंडर मनी बोल दिया गया. मतलब अब इससे पेमेंट नहीं होगी. कितना क्लियर है? कितना क्लियर? ठीक है. नीचे जो स्टार बना के दिख रहा हूं वो याद रखना. वन मार्क में पूछता है. इट रिजल्टेड इन विथड्रॉल of 86% करेंसी इन सर्कुलेशन. देश से 86% करेंसी खत्म हो गई. उसकी जगह फिर नए 500 के नोट छापे, 200 के नोट छापे, 2000 के नोट छापे. 86% करेंसी खत्म हो गई थी 2016 में हमारी. ठीक है. सारा का सारा हमने जाके कहां जमा कर दिया था? बैंकों में जमा कर दिया था. क्लियर है इतनी बात की नहीं है? ये बताओ. क्लियर क्लियर है. अब चलो आगे बढ़ते हैं. ध्यान से एक एक बात को सुनना समझना. सबसे पहली बात, डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या है. फीचर नंबर वन, ये एंटी टैक्स इवेजन मेजर है. कैसा मेजर है? एंटी टैक्स इवेजन मेजर होने का मतलब जो लोग टैक्स चुराते थे उनको डीमोनेटाइजेशन के थ्रू पकड़ने के बारे में सोचा गया है. इसमें क्या होता था, पब्लिक को कहा गया था कि उनको अपनी होल्डिंग क्या करनी होगी, डिक्लेयर करनी होगी. कितना घर में कैश है डिक्लेयर करना होगा और पूरे कैश को कहां जमा कराना होगा, जाके बैंक में जमा कराना होगा. तो इससे क्या होता था, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पता लगता था किसके पास कितना पैसा है और उस हिसाब से सबके घरों में मैक्सिमम घरों में इनकम टैक्स के नोटिस गए हैं. आप बताओ कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? समझ आया कि नहीं है? फिर से रिपीट करूं क्या? यस सर, कर दूंगी. लोग क्या करते थे पहले ना, अपना ना करेंसी या कैश डिक्लेयर नहीं करते थे, खूब सारा पैसा घरों में जमा करते थे. तो सरकार को जितना टैक्स मिलना चाहिए मिलता नहीं था. तो डीमोनेटाइजेशन को एक एंटी टैक्स इवेजन मेजर माना गया कि सभी लोगों को बोला गया कि घरों के कैश को आप बैंकों में जमा कराओ. आप बैंक में जैसे जमा करते थे तो सरकार को पता लग जाता था आपके खाते में कितना पैसा है, उस हिसाब से आपसे वो बहुत सारा टैक्स वसूली है इस समय में. इससे बोला जाता है जो लोग टैक्स चुराते थे उनका बहुत नुकसान हुआ. ये एक एंटी टैक्स इवेजन मेजर था. क्लियर है? यस सर. सेकंड, डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, चैनलाइजेशन हुआ ऑफ सेविंग इनटू बैंकिंग सिस्टम. जो सेविंग्स आप अपने घरों में रखते थे वो पूरी की पूरी सेविंग अब कहां आने लग गई, बैंक में. चोरी में बहुत सारे लाखों रुपए रखे थे, अब 500 और 1,000 के नोट. ये सिर्फ इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा कभी हुआ नहीं है. फिर भी मेरे घर में बहुत सारा कैश रखा था, लाखों रुपए रखे थे, अब मैं घर में रखता था. अब डीमोनेटाइजेशन आने के बाद मुझे सारा का सारा कहां जमा कराना पड़ गया, ये बताओ. बैंक. सेविंग बैंकिंग सिस्टम में आ गई. दो फीचर समझ आए कि नहीं आए, ये बताओ. आ गया सर. आ गया. तीसरी चीज जो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के बाद हुई, यार आपने खुद भी फील किया होगा, इंडिया का डिजिटाइजेशन हो गया. डिजिटाइजेशन होने का मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं. पहले हर चीज के लिए हम कैश का यूज करते थे, अब क्या हो गया, आपको जैसे कोई भी पेमेंट करनी होती है तो आप खुद भी ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं. चाहे वो स्कूल फीस हो या कोई शॉपिंग हो, आप अब ज्यादा से ज्यादा किसका यूज करते हो, एप्स का यूज करते हो, जैसे पेटीएम का, जी पे का, फोन पे का. मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? yes. आज की डेट में देखो ना आप, जैसे माधु मेडिकल भी कोई आता होगा तो ज्यादातर पेमेंट कैश में कर रहे हैं अभी कि पेटीएम से करते हैं, आप बताओ. पेटीएम से ना. तो ये सब तो अभी 2016 के बाद हुआ ना, उसके पहले तो लोगों को ये सब यूपीआई इसका आइडिया ही नहीं था. दूसरे देशों में चलता था, हमको कुछ नहीं पता था इसके बारे में. तो जब ये नोटबंदी हुई तो लोगों के नोट हो गए कम, तो सरकार ने सिस्टम ला दिया कि अकाउंट में तो पैसा पड़ा है तो तुम अपने अपने मोबाइल पे एप्स डालो और उसे पेमेंट करो. अच्छा करे कि बुरा करे, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया सर.
अच्छा भी। तो ये तीन ही फीचर है, तीनों फीचर समझ आए? डीमोनेटाइजेशन का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। अब तुमसे एग्जाम में एक और सवाल इसे पूछता है, और ये पूछता है कि जब डीमोनेटाइजेशन आया है तो अलग अलग जगह पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ठीक है, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पहले तो ये समझ लो। मैं एक एक इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग फिर भेजूंगा, आज देख लेना। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये रिकॉर्डिंग में भेज। तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ है तो इसका क्या असर पड़ा हमारे देश में? तो हम क्या करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम में एरिया लिखते हैं और एक साइड में लिखते हैं इम्पैक्ट। सबसे पहले एरिया बात करते हैं पैसे की, मनी की। ये बताओ कैश ट्रांजैक्शन बढ़े कि घटे? घटे। तो देयर वॉज डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, गलत बात है? डीमोनेटाइजेशन आने के बाद अगर पैसों की बात करोगे तो कैश ट्रांजैक्शन क्या हो गए? कम हो गए, कम हो गए। और बैंक डिपॉजिट क्या हो गए? बैंकों में जमा पैसा क्या हो गया? बढ़ गया, सब बढ़ गया। कितना समझ में आई मेरी बात? पहला इम्पैक्ट समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आ गया। दूसरी चीज, प्राइवेट वेल्थ कम हुई लोगों की। बहुत सारों को तो पैसा ऐसे ही डूब गया जो बैंकों में नहीं जमा करा पाए। प्राइवेट वेल्थ, एक आम आदमी की जो इनकम है वो कम हो गई थी। खासकर जो लोग प्रॉपर्टी डीलर थे बहुत बर्बाद हुए हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए। लोगों के जमीन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था, तो रियल एस्टेट के प्राइस गिरे और आपकी पर्सनल इनकम भी कम हुई। बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ? टैक्स कलेक्शन बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। डिजिटाइजेशन बढ़ा कि घटा? डिजिटल इकोनॉमी हुई कि नहीं हुई हमारी? इंक्रीज हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी क्या हुए? इंक्रीज हुए। आप बताओ ईमानदारी से, मेरी बात समझ आई कि नहीं? यस सर। आ गई? आगे अभी खत्म नहीं हुआ है। रियल एस्टेट के रेट बढ़े कि घटे? प्रॉपर्टी के रेट कम हुआ। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पब्लिक सेक्टर सब बढ़ गई। तो अगर 6 नंबर का इम्पैक्ट आएगा तो ये इतनी जगहों पर इम्पैक्ट पड़ना है, और अपने को ध्यान रखना है क्या इम्पैक्ट पड़ा। देख लो, मुझसे कुछ पूछना है तो पूछो। मुझसे कुछ पूछना है तो बताओ। क्या आपको क्लियर है, हाँ या ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। जाके आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। किसका? बीएसटी का। ठीक है, तो बीएसटी में आपके 3 चैप्टर खत्म हो गए, 1 से लेकर 3। इसमें आपके पास 2 के नोट्स हैं, राइट? और इस चैप्टर का भी नोट्स नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपके कितने चैप्टर खत्म हो गए? 3। इसमें 1 का नोट्स आपके पास है और 2 का नोट्स नहीं है। अभी एग्जैक्ट ये स्टेटस है ना अपना? मंडे से अपन सैटरडे तक पूरा रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। तो रिवीजन छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है? क्यों, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। रिवीजन करेंगे। इन रिवीजन में आपके पास नोट्स भी होंगे पढ़ने के लिए, जिससे आप पूरा पढ़ पाओगे। आपके पेंडिंग नोट्स भी आपके पास रहेंगे, और थरोली रिवीजन करके पूरे क्वेश्चन साथ साथ बना देना, ठीक है? यस सर। ये आप करते हैं, फिर सैटरडे को रिवीजन अपना खत्म हो जाएगा तो फिर नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये आप यस सर ये करो, ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा।